गंगा किनारे के जितने शहर हैं वो खान पान के लिए जाने जाते हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा, प्रयागराज हुआ, कोलकाता हुआ, कानपुर हुआ, और काशी बहुत पहले से खान पान के लिए प्रसिद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी में निरंतर अभिनव प्रयोग हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं। यहाँ बगल में बनारस रेलवे स्टेशन पीछे है, मंडवाड़ी रेलवे स्टेशन कैसा हुआ करता था सबको याद है। आज एक इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे कई बार लोग कन्फ्यूज होकर एयरपोर्ट समझ लेते हैं। उसी तरह से पूर्वोत्तर रेलवे ने फिर एक अभिनव प्रयोग किया है, रेल के कोच को रेस्टोरेंट में बदल दिया है, भोजनालय में बदल दिया है, और यह इतना आकर्षक बनाया गया है। मेरे कई कार्यक्रम लगे थे और उद्घाटन करने के बाद मेरा खुद यहाँ थोड़ी देर बैठने का मन किया। काशी की जनता को यह रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। न यह सिर्फ आकर्षक है बल्कि मैंने यहाँ अभी जलपान भी खा कर देखा, बहुत स्वादिष्ट यहाँ के व्यंजन भी हैं। इसलिए जो स्टेशन ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं या जो स्टेशन पर ट्रेन से उतरे हैं, सिर्फ वही यहाँ नहीं आएंगे, काशी की जनता जिसको ट्रेन नहीं भी पकड़नी है वो भी इस बार एक बार इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए ज़रूर निकल के आएगी। इतना सुंदर रेस्टोरेंट पूर्वोत्तर रेलवे ने बनाया है। मैं DRM महोदय, सीनियर DCM महोदय, रेलवे की पूरी टीम को इस अभिनव प्रयोग के लिए, एक अभूतपूर्व कार्य के लिए बधाई देता हूं, और यहां जो संचालक हैं वरुण सिंह जी, इनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही स्वाद बनाए रखें और काशी की जनता को यहां आकर आनंद की अनुभूति हो सके। काशी में इतनी बदलाव हो रही है लेकिन विपक्ष के लोग लगातार बचते रहते हैं कि काशी को और पूरे प्रदेश को ही बदलाव की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बनाने की बातें की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोरोना के समय से ही विपक्ष अपने कमरों में बंद हो गया है, उसे सड़क पर निकलने की आदत ही नहीं रह गई है। वो अपने घरों में बैठ के, अपने कमरों में बैठ के सिर्फ ट्वीट करना और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना जानते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि अपने घर से बाहर निकलें, धूप है पर नुकसान नहीं करेगी, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा जनता के बीच में जाएं, थोड़ा जो विकास के कार्य हैं उनको अपनी आँखों से देखें, तो उन्हें जो मति भ्रम हुआ है। रेलवे स्टेशन पर रेल कोच का उद्घाटन हुआ है, कैसे देख रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? भारतीय रेल में कोच रेस्टोरेंट का ये कंसेप्ट करीब एक साल पुराना है। अभी पूरे भारतीय रेल में शायद सिंगल डिजिट में है और ये पूर्वोत्तर रेलवे का पहला है, और जून के अंत तक आपको वाराणसी में ही दो और ऐसे कोच रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। एक हमारा वाराणसी सिटी में कल कोच प्लेस हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून के अंत तक वहाँ भी चालू हो जाएगा। और वाराणसी जंक्शन में पहले से कोच रखा हुआ है, वहाँ पर काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जून के अंत तक आपको यहाँ पर इस तरह के 3 रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। सर, रेल कोच में रेस्टोरेंट खोलने का क्या कुछ मकसद रहेगा और क्या संदेश जाएगा इससे? लोग रेल कोच में बैठ करके, मतलब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि रेल यात्रा, हर भारतीय रेल यात्रा से जुड़ा हुआ है, और जब हम रेल में बैठते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, तो खाना भी खाते हैं, और उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाया गया है कि आप बिना ट्रेन में सफ़र किए हुए भी ट्रेन में बैठ कर के खाना खाने का आनंद ले सकते हैं। जब हम चलती रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं, वहाँ पर खाना का डिमांड करते हैं, हो सकता है कि आपके पसंद के सारे खाना वहाँ पर, सारे आइटम उपलब्ध ना हो, जो उनके पास बाहर से रहता है वही सर्व करते हैं। कोर स्टेशन यहाँ पर नहीं रहेगा और नौ ट्रेन चलती हुई वाइब्रेशन का जो ट्रेन में हमें दिक्कत होती है वो यहाँ पर। सर, क्या कारण है? पहले मतलब टेंडर लेने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी, फाइलों और बाबुओं के और ऑफिसों में चक्कर लगाए तो भी दुकान बड़ी मुश्किल से खुलता था, लेकिन अब ये प्राइवेट खुल रहा है, मतलब और वो भी रेलवे में, इसको क्या देखते हैं, मतलब इसको क्या मानते हैं? ये दिन ब दिन पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। पिछले साल से रेलवे में जितने हमारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ई ऑक्शन के थ्रू अब दिया जा रहा है, अब पूरे भारतवर्ष में शुरू हो गया। जो पहले 10 डिवीजन के पायलट वाले उसमें हमारा डिवीजन सम्मिलित था, और अब वही 15 दिन के नोटिस देकर के कोई भी व्यक्ति उसमें आकर के। वरुण सिंह, आरती इंटरप्राइजेज की तरफ से यह कार्य है और आज उद्घाटन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में टेंडर तो कई जगह हुए हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रथम बार ये सौभाग्य मिला है कि रेस्टोरेंट स्टार्ट अभी यहीं से हुआ है, बनारस रेलवे स्टेशन से। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी व्यक्ति रेस्टोरेंट के अंदर आए उसको अच्छा भोजन, उसके स्वास्थ्य के हिसाब का भोजन, और उसको जो मार्केट से और दामों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनको उचित दर पर भोजन मिल सके, इसका प्रयास है।
आध्यात्मिक नगरी है, काशी पर्यटक की नगरी है, तो हम एक 4 मिनट की वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जो जब तक आप ऑर्डर देते हैं कोई स्क्रीन पर हमारी वो वीडियो जो काशी के प्रमुख स्थल हैं, जो 30 त्यौहार हैं, जो लखा मेला है, जो लोग काशी में घूमने भ्रमण करने, यहाँ देव दीपावली है, नाग नथैया है और एकादशी है, होली है, दीपावली है, जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं काशी में, उन सबको ये बताना कि काशी की महत्वता क्यों है। और पर्यटक जब तक अपना ऑर्डर दें तब तक काशी के विषय में 4 मिनट की वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें वो जान जाएं। और हमारा ये भी प्रयास है कि जो देश के अंदर जो अन्य देशों से भी यात्री आ रहे हैं और प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, उनको उनके स्वाद का भोजन हम यहाँ मुहैया करा सकें, हमारी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, ये जब रेलवे ने इसको निविदा आमंत्रित की तो हम लोगों ने को लगा कि ये पहला एक्सपेरिमेंट है, करना चाहिए, क्योंकि काशी नगरी है और हमेशा महसूस होता है कि कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोगों ने टेंडर डाला, टेंडर हम लोगों को मिला, हम लोगों ने इसको निर्माण में पूरी पारदर्शिता के साथ ये बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। और हमें हमारे बेहतर करने का सार्थक परिणाम यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे अफसरान हों, जो भी जिन लोगों ने इसको देखा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तो ये लगा कि हमारा मेहनत सफल रहा। अन्य रेस्टोरेंट से कितना अलग होने वाला? निश्चित रूप से देखिए, ये रेस्टोरेंट से हम तो उनके जैसा, देखिए हम आपको बता रहे, खान पान हम आपको मैंने पहले बता दिया कि स्वास्थ्य के हिसाब से गुणवत्ता पूर्वक होगा, और अन्य जगहों की अपेक्षा हमारा प्रयास होगा कि आपको सस्ता और अच्छा भोजन मिल सके। एक साथ कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था है? अंदर 48 लोगों को एक साथ एसी में बैठने की व्यवस्था है, और बाहर हम 36 लोगों की व्यवस्था, जो प्लेटफॉर्म रूपी बनाए, जैसे बहुत जगह लोगों को स्नैक्स वगैरह लेना है कि वो नाश्ता करना है, भोजन नहीं करना है, तो वो चाहते हैं कि बस 10-5 मिनट के अंदर नाश्ता पानी किए और निकल लिए। हम सारी जो व्यवस्थाएं यहाँ दी जाएंगी, जो क्राइटेरिया हमारा कहता है, रेलवे की गाइडलाइंस कहती है, उसके अनुरूप हम निश्चित रूप से उसके आयोजन भी हम करेंगे रेलवे की गाइडलाइन मिलने के बाद। आगे आते हैं अब आगे, अभी कोई निविदा और अगर रेलवे आमंत्रित करता है तो प्रयास करेंगे कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, भोले का नाम लेकर के हम उसमें भी भाग आजमाना जरूर चाहेंगे।